Hello students, welcome to the Cosmic Center for Learning English. This is Srivan sir and today we are going to start narration, the direct and indirect speech. Aaj hum log narration start karne ja rahe hain, direct aur indirect speech. Isko seekhenge, lekin ye topic important hai aur iske rules bhi thode samajhne padenge, isliye focused rahenge aap. Lekin main topic mein aaun, टॉपिक स्टार्ट करूं, इससे पहले मैं कहना चाहूँगा कि आप अगर नए व्यूअर हो, पहली बार इस चैनल में कोई वीडियो देख रहे हो, तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि वहाँ पे जाके आपको बहुत सारे वीडियोस बेसिक्स और एडवांस लेवल के ग्रामर्स का मिल जाएगा. साथ ही साथ आप अगर 9th, 10th, 11th, 12th के स्टूडेंट हो, तो आपके लिटरेचर, ग्रामर, रीडिंग और राइटिंग सेक्शंस के वीडियो सारे आपके सिलेबस पर आधारित अपलोडेड है, और जो भी बच जाते हैं वो बोर्ड एग्जामिनेशन से पहले पहले तक अपलोड हो जाएगा, इसलिए आप मिस नहीं करेंगे. अगर आप वीडियो देख रहे हो तो कंप्लीट वीडियो देखो, तभी उसका लाभ उठा पाओगे. और अगर किसी तरह की समस्या आपको आती है, कोई क्वेरीज होता है, या ऑनलाइन क्लास के लिए आप संपर्क कर सकते हैं. मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9431381965. चलिए आते हैं हम लोग टॉपिक पर. देखिए, नरेशन, नरेशन मतलब हिंदी मीनिंग इसका होता है कथन. क्या होता है? कथन. ठीक है, कथन मीन्स क्या होता है? कही हुई बात. कथन मीन्स कही हुई बात, जो बातें कह दी जाती है उसको हम कथन कहते हैं. तो इस कथन को डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच भी कहते हैं. तो डायरेक्ट स्पीच कैसे और इनडायरेक्ट कैसे? अगर किसी ने कोई बात कही, उस बात को सुनने वाला अगर उन्हीं के शब्दों में उसको रख देता है, तो वो कहलाता है डायरेक्ट स्पीच. और उसको अगर अपने ढंग से वो कहता है, तो वो इनडायरेक्ट. एग्जांपल के तौर पर मैं बताता हूँ, किसी ने मुझसे अगर कहा कि मैं, किसी ने मुझसे कहा, ठीक है, फॉर एग्जांपल अभिजीत ने मुझसे कहा, ठीक है, कि मैं एक स्टूडेंट हूँ, ठीक है. अब उस बात को मैं अगर थर्ड पर्सन को सुना रहा हूँ कि अभिजीत ने मुझसे कहा कि मैं एक स्टूडेंट हूँ, तो उनका भी सेंटेंस यही था कि मैं एक स्टूडेंट हूँ, उसी सेंटेंस को मैंने रख दिया, तो इसको कहते हैं डायरेक्ट स्पीच. अगर उस बात को मैं दूसरे ढंग से कहूँ कि अभिजीत ने मुझसे कहा कि वह एक स्टूडेंट है, बात वही है, लेकिन ये इनडायरेक्ट हो गया. ठीक है, जो वक्ता के शब्दों को उसी तरह से रख देना, कह देना, डायरेक्ट कहलाता है. और उसको उसी बात को अगर अपने ढंग से कहता है, तो वो क्या कहलाता है? इनडायरेक्ट स्पीच. इतनी बातों तो समझ में आई होगी. चलिए अब आते हैं, एक सेंटेंस देखते हैं, उससे फिर समझने की कोशिश करते हैं. आप यहाँ पे देखिए, दे से टू मी वी हेल्प यू. ठीक है, दे से टू मी. अब यहाँ पे देख रहे होंगे आप, इन्वर्टेड कॉमा है, ये इन्वर्टेड कॉमा के अंदर है. ठीक है, देखिए, तो जो भाग इन्वर्टेड कॉमा के अंदर रहता है नरेशन में, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच अगर हम देख रहे हैं, सीख रहे हैं, तो उसको एक चीज़ पहले आप जान लीजिए इस पर, कि अगर सेंटेंस डायरेक्ट स्पीच में, डायरेक्ट स्पीच में इन्वर्टेड कॉमा में, इसका मतलब जैसी बात कही गई थी वही सेंटेंस यहाँ पर लिखी हुई है. तो जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर रहता है, इसको क्या कहते हैं? रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं. रिपोर्टेड स्पीच, ठीक है, ये क्या कहलाएगा? रिपोर्टेड स्पीच. कौन? जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर रहता है. ये बात समझ में आई? और जो इन्वर्टेड कॉमा के बाहर रहता है, इसमें ये जो वर्ब होता है बाहर, जो ये देख रहे हो आप, इसमें से ये वर्ब जो है, जैसे से, दे से टू मी, तो दे सब्जेक्ट हो गया, से वर्ब हो गया, किससे कहा? तो मुझसे, ये ऑब्जेक्ट हो गया. तो अब यहाँ पे देख लीजिए, ये जो वर्ब है इसको कहते हैं रिपोर्टिंग वर्ब. इसको क्या कहते हैं? रिपोर्टिंग वर्ब. ठीक है, बात समझ में आई? अब रिपोर्टिंग वर्ब का ये क्या हो गया? ये सब्जेक्ट हो गया, और ये इस वर्ब का क्या हो गया? ये ऑब्जेक्ट हो गया. बात समझ में आ रही है ना? तो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो बातें हैं उसको रिपोर्टेड स्पीच, और उसके बाहर जो वर्ब है उसको रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं. तो रिपोर्टिंग वर्ब के साथ उसके सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट भी होते हैं. कभी कभी सब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट नहीं भी हो सकता है. ठीक है, उस तरह के सेंटेंसेस में आएंगे, आगे हम लोग देखते हैं उसको. लेकिन अभी हम लोग
ये समझ लेते हैं कि डायरेक्ट स्पीच में जो सेंटेंस है उसको दो भागों में बांटा जा सकता है, एक भाग जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर रहता है और एक भाग जो इन्वर्टेड कॉमा के बाहर रहता है। तो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो रहता है वो रिपोर्टेड स्पीच कहलाता है और इन्वर्टेड कॉमा के बाहर जो रहता है वो रिपोर्टिंग वर्ब कहलाता है, साथ ही उसका सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट भी होता है। इतनी बातें क्लियर हो गई, ठीक है। चलिए अब हम लोग डायरेक्ट नरेशन या डायरेक्ट स्पीच तो समझ गए, इनडायरेक्ट में डायरेक्ट को कैसे बदलेंगे इसके बहुत सारे रूल्स होते हैं। तो हम लोग एक सेंटेंस को देखते हैं और उससे समझने की कोशिश करते हैं, फिर एक एक करके हम लोग आगे। एक सेंटेंस यहाँ देख लीजिए, ही सेज टू मी, ठीक है, ही सेज टू मी, वह मुझसे कहता है आई एम योर फ्रेंड, ठीक है। अब रूल क्या है इसमें कि पहले तो ये जो है सेज टू, ठीक है, वर्ब के बाद जो प्रेपोजिशन उसके बाद जो ऑब्जेक्ट रहता है इसको हम लोग हटाएंगे और ये सेज टू किस में बदल जाएगा, टेल में बदल जाता है, ठीक है। सेज टू किस में बदल जाता है, टेल में। बात समझ में आ रही है, ये अभी मैं एसर्टिव सेंटेंस बता रहा हूं, एसर्टिव सेंटेंस, ठीक है। इसको दूसरे शब्द में क्या कहते हैं, स्टेटमेंट्स भी कहते हैं, स्टेटमेंट्स, ठीक है। एसर्टिव काइंड्स ऑफ सेंटेंस मैंने बताया है, वीडियो अपलोडेड है, आप जाके देख सकते हो किसको कहते हैं असर्टिव सेंटेंस, ठीक है। तो स्टेटमेंट होता है, तो अगर स्टेटमेंट है जो खासकर हम देखेंगे रिपोर्टेड स्पीच के रूप में जो सेंटेंस के अंदर जो रहता है वो सेंटेंस क्या है, जनरली चेंज इसी का होना है। बात समझ पा रही है ना, तो ये अभी हम लोग जो डील कर रहे हैं असर्टिव सेंटेंस, क्योंकि अलग अलग सेंटेंस के लिए अलग अलग रूल्स होते हैं, कुछ रूल्स कॉमन हैं, ठीक है, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलने के लिए, लेकिन अलग अलग सेंटेंस के फिर कुछ स्पेसिफिक रूल्स भी हैं। तो अलग अलग सेंटेंसेस के जानेंगे, अभी आप जान लीजिए कि किस में हैं आप, एसर्टिव सेंटेंस में, जनरल स्टेटमेंट्स में, ठीक है। तो चलिए यहाँ देखिए इस सेंटेंस को, तो अगर जनरल स्टेटमेंट है किसके अंदर, रिपोर्टेड स्पीच के अंदर, तो उस केस में अगर सेज टू को किस में बदलते हैं, टेल में बदलते हैं, पहली बात। दूसरी बात, डायरेक्ट से जब इनडायरेक्ट में बदलेंगे हम, तो ये इन्वर्टेड कॉमा है ना, ये जो देख रहे हो आप इन्वर्टेड कॉमा यहाँ पे, ये हट जाएगा, ठीक है। और इस इन्वर्टेड कॉमा की जगह पे क्या आएगा, दैट, ठीक है, इन्वर्टेड कॉमा की जगह पे क्या आएगा, दैट आएगा। और साथ ही साथ अब क्या होगा इसमें कि ये जो पर्सन है, ये पर्सन अगर यहाँ पे फर्स्ट पर्सन रहता है तो वो सब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा, अगर सेकंड पर्सन रहता है तो वो ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा, अगर थर्ड पर्सन रहता है तो वो नहीं बदलेगा, जो है वही रहेगा, ठीक है। तो हम अब बनाना शुरू करते हैं, ये अभी मैं सिर्फ बताया आपको, अभी एग्जांपल के साथ समझाता हूँ, फिर उसको चेंज करके जनरल तौर पर जो रूल है उसको आप याद रखिए कि एक तो इन्वर्टेड कॉमा जो है, ठीक है, वो हट जाएगा, उसके जगह पे दैट का प्रयोग होगा। सेज टू है वो टेल में बदलेगा, यही अगर पास्ट में रहेगा, ठीक है, यहाँ पे ही सेड टू मी रहेगा तो टेल का टोल्ड में बदल जाएगा, ठीक है। और उसके बाद पर्सन चेंज होंगे, और दूसरी बात याद रखिए कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस प्रेजेंट या फ्यूचर है, जैसे सेज है तो ये दिख रहा है ना यहाँ पे प्रेजेंट है, अगर सेड रहता तो क्या होता, पास्ट होता, तो अगर प्रेजेंट टेंस में है या फ्यूचर टेंस में, ठीक है, अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में है या फ्यूचर टेंस में है, तो इस केस में क्या होता है, रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदलता है, यानी जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर है इसका टेंस नहीं बदलता है। लेकिन अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होगा तो इसके टेंस कैसे बदलेंगे वो मैं आगे बताता हूँ, पहले हम लोग आते हैं प्रेजेंट टेंस वाले में, ठीक है। ठीक है, अब देखिए इसको, ही सेज टू मी, ठीक है, तो ही ये डायरेक्ट में है, ठीक है,
डायरेक्ट स्पीच में, इसको इनडायरेक्ट में हम लोग बदल रहे हैं। इनडायरेक्ट में क्या होगा, ही सेज टू किस में बदल जाएगा, टेल में, तो सेज टू है तो ये टेल्स हो जाएगा, ठीक है। अगर ये सेड टू रहता तो टोल्ड हो जाता, क्लियर। अब देखिए ऑब्जेक्ट क्या है, मी, ही टेल्स मी, इन्वर्टेड कॉमा हटेगा, क्या हो जाएगा, दैट। अब अभी मैंने बताया था कि अगर फर्स्ट पर्सन होगा तो सब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा, तो फर्स्ट पर्सन यहाँ पे आई है, ठीक है, केवल पर्सन बदलेगा, नंबर उसका नहीं बदलेगा, ये याद रखिएगा। तो ये किसके अनुसार से बदलेगा, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, थर्ड पर्सन में है, तो ही का क्या हो जाएगा, आई का क्या हो जाएगा, ही, और ही हो जाएगा तो इसके साथ ऑक्सिलरी वर्ब एम तो लगेगा नहीं, इज लगेगा। अब ये किस पर्सन में है, सेकेंड पर्सन, इसमें सेकेंड पर्सन जब भी बदलता है वो रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार से बदलता है, तो ये योर है, तो आप जान लीजिए कि योर पजेसिव केस में है, तो मी यहाँ पे पजेसिव केस में होगा, केस नहीं बदलेगा, केवल पर्सन बदलेगा। और अगर पर्सन केस का की जानकारी नहीं है तो मैंने पर्सन और केस पे एक टेबल चार्ट डाल रखा है, पर्सन और केस का जो वीडियो है उसको आप जरूर देख लेंगे, ठीक है। इसलिए मैं कहता हूँ कि ये लैंग्वेज है, एक चीज़ नहीं जानते हो दूसरा समझ में नहीं आएगा, क्योंकि एक दूसरे पर आधारित है। अभी आपको टेंस यहाँ पे आ रहा है, वर्ब आ रहा है आपका, ठीक है, फिर देखिए यहाँ पे पर्सन आ रहा है, केस आ रहा है। अगर आप पहले बेसिक नहीं जानते हो तो फिर ये नरेशन भी समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो अगर नहीं तो उसको देख लेंगे, क्योंकि उस टॉपिक पे अभी हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे, हम लोग नरेशन में। मैं अभी ये मान के चल रहा हूँ कि इससे पहले का सब आपको आता है, और नहीं आता तो मेरे प्लेलिस्ट में जाइए, और प्लेलिस्ट में आप तभी जा सकते हैं आप जब सब्सक्राइब किए होंगे, अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब कर लो उसको, और सारे आप देख सकते हो वहाँ से, ठीक है। तो चलिए अब देखिए, ही सेज टू मी आई एम योर फ्रेंड, तो ही टेल्स मी दैट ही इज, अब ये सेकेंड पर्सन है तो ऑब्जेक्ट के अनुसार, तो क्या हो जाएगा, मी का अगर पजेसिव बनाएंगे तो माय और फ्रेंड, फ्रेंड, ठीक है, इस तरह से ये चेंज होगा किसमें, इनडायरेक्ट में। अब ये एक हुआ, ठीक है, इसको आप देख लो पहले, स्क्रीनशॉट लेना चाहो ले लो, फिर इसको मैं चेंज करता हूँ अभी। अगर ये फर्स्ट पर्सन में रहता है तो, अगर यहाँ पे मैं सेकंड पर्सन में डालूँ तो सेकंड पर्सन का तो आप समझ गए, ऑब्जेक्ट के अनुसार से बदलेगा, ठीक है। अगर थर्ड पर्सन रहता है तो कैसे समझेंगे आप, ठीक है, दोनों ही बना के दिखाता हूँ, आप देख लो। चेंज कर देता हूँ यहाँ पे, आई के जगह पे आई एम के जगह पे यू आर कर देता हूँ मैं, ठीक है, यू आर, और ये चेंज करके मैं माई कर देता हूँ, ठीक है। आप कैसे बदलता है देखिए, तो ये तो वही रहेगा, ही टेल्स मी, ठीक है, इन्वर्टेड कॉमा किससे रिप्लेस होगा, दैट से। अब ये देखिए किस पर्सन में है, सेकंड पर्सन में, तो सेकंड पर्सन किसके अनुसार से बदलता, ऑब्जेक्ट के अनुसार। लेकिन आप ये याद रखिए कि ये किस केस में है, यहाँ पे सब्जेक्टिव केस में, नॉमिनेटिव केस में है, तो ये आके यहाँ नॉमिनेटिव ही होगा, तो क्या हो जाएगा, आई, ठीक है, मी का यहाँ क्या हो जाएगा, आई, आई के साथ क्या लगेगा, एम। और ये क्या है, फर्स्ट पर्सन में, फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार से लगता है, सब्जेक्ट के अनुसार से, किसका सब्जेक्ट, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार से, तो रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट क्या है, ही है, तो क्या हो जाएगा, आई एम हीज फ्रेंड। बात समझ में आई, ठीक है, बात समझ में आई, रेड से लिख दूं ज्यादा अच्छा रहेगा, फिर पहचान में आपको आएगा। देखिए, ही tells me that, you बदलेगा इसके अनुसार से, I उसके साथ M लगेगा, my किसके अनुसार से, इसके अनुसार से, he के अनुसार से, क्या हो जाएगा उसका possessive, his friend, ठीक है, clear। अगर second person रहा किस में, reported speech में, किसके अनुसार से बदलेगा, object के अनुसार, ठीक है। first person किसके अनुसार से बदला था, सब्जेक्ट के अनुसार से, सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार से। अब हम लोग थर्ड पर्सन में आते हैं, ठीक है, पढ़ाऊं,
शुड आई इरेज दिस? चलिए अब थोड़ा फिर चेंज करता हूं मैं सेंटेंस को. ही इज माई फ्रेंड कर देता हूं. ठीक है, अब देखिए कैसे बदलेंगे इसको. ये तो उसी तरह से होगा, ही टेल्स मी, इन्वर्टेड कॉमा दैट से रिप्लेस करेंगे. अब ये देखिए किस पर्सन में, थर्ड पर्सन में. तो थर्ड पर्सन अगर रहता है इन्वर्टेड कॉमा के अंदर तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है. तो यहाँ पे ही इज का ही इज ही रहेगा. माई फर्स्ट पर्सन है सब्जेक्ट के अनुसार, ही इज, ही इज फ्रेंड. ठीक है, देखिए इसको. ठीक है, चलिए अब ये हम समझ गए पर्सन किस तरह से चेंज होता है. तो इसका एक फॉर्मूला होता है. ठीक है, एस ओ एन, ठीक है, पाई वन टू थ्री. इसका मतलब होता है कि फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार बदलता है, सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलता है, और थर्ड पर्सन में नो चेंज, कोई चेंज नहीं होता है. इसको आप याद रखेंगे, अभी तक इसी को हम लोग एक्सप्लेन कर रहे थे. ठीक है, तो ये पर्सन चेंज हो गया. तो पहली बात है हम लोगों ने क्या जाना, रिपोर्टेड स्पीच किसको कहते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब किसको कहते हैं. अब हमने ये भी जाना कि डायरेक्ट नरेशन और इनडायरेक्ट नरेशन किसको कहते हैं. डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में हम लोगों ने चेंज किया. बेसिक जो रूल्स हैं, इन्वर्टेड कॉमा रिप्लेस होना, और फिर मैंने अभी टेंस का बताया कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर में रहता है, जैसे ही विल से, दे विल से, ही हैज सेड, ठीक है, वी हैव सेड वगैरह वगैरह रहता है, तो इसके टेंस में कोई चेंजेस नहीं आता है. पर्सन चेंज होगा, ठीक है, लेकिन टेंस में कोई चेंज नहीं होता है. ठीक है, एक फ्यूचर का भी एग्जांपल देख लेते तो उससे समझ में आ जाएगा. मैंने फ्यूचर का भी लिया है, पास्ट का भी लिया है. एक अब ये तो पर्सन चेंज देख लिया, अब लोग टेंस चेंज इससे समझ लेते हैं. ठीक है, तो सीता विल टेल मी आई नीड योर हेल्प. ठीक है, तो इसको देखते हैं. तो क्या होगा यहां पर, ये डायरेक्ट में है, ये इनडायरेक्ट में बदलेगा. ठीक है, तो सीता विल वही रहेगा, टेल मी इन्वर्टेड कॉमा रिप्लेस होगा दैट. ठीक है, अब फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार से, सीता के अनुसार से. ये थर्ड पर्सन सिंगुलर है, फीमेल है, तो क्या हो जाएगा, सी. ठीक है, बार बार हम लोग नाउन को रिपीट नहीं करते हैं, उसके लिए प्रोनाउन का इस्तेमाल करते हैं. तो दैट सी, अब सी के साथ ये देख लीजिए किस टेंस में, आई नीड योर हेल्प, प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, तो फ्यूचर रहने पर कोई टेंस में परिवर्तन नहीं होता. तो सी नीड्स, सी के साथ नीड्स लगेगा. ठीक है, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ जो वर्ब आता है उसके साथ एस ई आई एस लगता है, सी नीड्स. अब ये सेकेंड पर्सन में देख लीजिए, सेकेंड पर्सन किसके अनुसार से, ऑब्जेक्ट के अनुसार से. तो ये क्या हो जाएगा, ये वहां जाएगा लेकिन वो केस वही रहेगा, ये पजेसिव केस में है. तो मी का क्या हो जाएगा, माय हेल्प. ठीक है, बात समझ में आई. ये हो गया फ्यूचर में रहता है तो, और अगर पास्ट में रहता है तो देखिए क्या होता है, ये डायरेक्ट में है, इनडायरेक्ट में बदलेंगे. ही सेड टू मी, तो अभी मैंने बताया सेड टू का पास्ट होगा तो टोल्ड हो जाएगा, ही टोल्ड मी. इन्वर्टेड कॉमा किससे रिप्लेस होगा, दैट. फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार से बदलेगा, सब्जेक्ट के अनुसार. तो यहाँ पे ही है तो क्या हो जाएगा, ही, क्योंकि यहाँ सब्जेक्टिव केस में है, केस नहीं बदलेगा, इस बात को याद रखिएगा. एम के साथ यहाँ पे आई के साथ एम था, ही के साथ क्या होगा, इज होगा. योर सेकेंड पर्सन में किसके अनुसार से बदलेगा, मी के अनुसार से, तो क्या हो जाएगा, माय. ठीक है, और फ्रेंड. लेकिन एक चीज़ है, क्या गलत किया मैंने, मैंने बताया था कि इसका अगर पास्ट में रहता है तो इसके टेंस बदलेंगे, तो ये अगर प्रेजेंट कंटिन्यूअस है तो पास्ट कंटिन्यूअस होगा, प्रेजेंट इंडिफिनिट है तो पास्ट इंडिफिनिट होगा. तो जब यहाँ पे इज आर एम था तो यहाँ पे क्या होगा, वाज वेन होगा, यानी ही वाज माय फ्रेंड.
ठीक है। तो अब मैं बता दूं, ये टेंस का जो रूल है हम लोग नेक्स्ट डे एक्सप्लेन करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, लेकिन मैं अभी ब्रीफली बता देता हूं कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट इंडिफिनिट में होता है तो इसके टेंस किस प्रकार बदलेंगे वो मैं बता देता हूं। प्रेजेंट इंडिफिनिट पास्ट इंडिफिनिट में बदल जाएगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस पास्ट कंटिन्यूअस में, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, और प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट में, और प्रेजेंट इंडिफिनिट पास्ट इंडिफिनिट पास्ट परफेक्ट में, और पास्ट कंटिन्यूअस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, ठीक है। ये चेंजेस होगा, अब हम लोग डिटेल से दूसरे दिन जानेंगे। इसके अलावा जो जनरल रूल अभी हम लोग पढ़ रहे हैं उसका, तो जनरल रूल में इसके अलावा कुछ और भी रूल्स हैं जिसको हम लोग जानेंगे, जैसे दिस का दैट हो जाता है, दिस का दोज हो जाता है, यस्टरडे का प्रीवियस डे, ठीक है। इस तरह के बहुत सारे रूल्स हैं जो हम लोग विथ एग्जाम्पल समझेंगे, ठीक है। तो अभी बेसिक हम लोग जो स्टार्टिंग है इस वीडियो में, डायरेक्ट इनडायरेक्ट समझा, रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टेड स्पीच, फिर पर्सन चेंज और टेंस चेंज, ठीक है। तो आज इस वीडियो को मैं यहीं अंत करता हूँ। आप वीडियो देखते रहिए, लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए, और समझने में कहीं प्रॉब्लम हो, किसी तरह की क्वेरीज हो, तो मैंने व्हाट्सएप नंबर दे दिया है 9431381965, उस पर आप मैसेज कर सकते हो, मैं नेक्स्ट वीडियो में उसको एक्सप्लेन कर दूँगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, गुड बाय।